हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लो वैल्यू कंटेंट का जो इशू है उसकी आज लाइव प्रूफ के साथ आपको सॉल्व करूंगा। मेरे एक वेबसाइट था ब्लॉगर सॉल्यूशन, जो आपके यूट्यूब जो चैनल है मेरा, उसी का नाम से एक वेबसाइट भी है मेरा। तो उस वेबसाइट में मैं जो डोमेन परचेज किया था वो लगभग 1-1.5 साल पहले का है। तो डोमेन परचेज करने के बाद मैंने वेबसाइट डिजाइन करने में और कुछ कॉन्टेंट लिखे में 1 महीना लगभग टाइम लगाया। 8 टाइम गूगल ने रिजेक्ट कर दिया गूगल एडसेंस के लिए। तो मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा जो मेरे 8 टाइम रिजेक्ट हुआ मेरा वेबसाइट और उसको मैंने कैसे अप्रूवल लिया, सारे कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। सो फ्रेंड, फर्स्ट टाइम एक प्रॉब्लम की बात बताया था। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो बिगिनर होता है, जिसको एडसेंस 1-2 बार मिलता है, 1-2 बार नहीं मिलता है, जो फर्स्ट टाइम है उनके साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो कुछ ऐसे होता है जो आप सोच भी नहीं सकते, और बहुत बहुत ही छोटा मिस्टेक होता है उनका, जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता। जब एडसेंस अप्रूवल अप्लाई करता है और लो वैल्यू कंटेंट के इशू आ जाता है, तो यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो है बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने लगता है। जैसे किसी बंदे ने बोला उसकी वेबसाइट में अच्छा व्यूअर्स होना चाहिए, मतलब अच्छा ट्रैफिक होना चाहिए, किसी बंदे ने आपका पेजेस के बारे में बताएगा, किसी बंदे ने आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देगा। तो आप कितनी भी अप्लाई कर लो बट या ओरिजिनल कंटेंट लिख लो, बहुत सारे टिप्स देगा लेकिन आपकी साइट फिर भी एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहे, उसकी रीज़न भी हम बताएंगे और उसके सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और फर्स्ट हम दिखाते हैं मेरा जो डोमेन है, मैं कितने बार अप्लाई किया और कितने बार रिजेक्ट हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट मैंने अप्लाई किया था, आप देखो मैं गूगल मेल में हूँ। फर्स्ट मैंने यहाँ जस्ट नीचे देख रहे हो आप, 16 मार्च में मैंने इसको फर्स्ट टाइम डाला था, मार्च की 16 इसी साल की बता रहा हूँ। फिर मैंने जो डाला आपको साथ शेयर करो, 23 मार्च को, उसके बाद मैंने किया 3 अप्रैल को, फिर दोबारा अप्लाई किया बट रिजेक्ट हो गया। फिर 7 अप्रैल को दोबारा मैंने उसको कुछ प्रॉब्लम जो था मेरे साइट में उसको ठीक करके 7 अप्रैल को किया। उसके बाद 19 अप्रैल को मैं 6 टाइम मैंने अप्लाई किया बट रिजेक्ट कर दिया। मैं कुछ दिन उसकी इश्यूज जो हो रहा था मैं उसको छोड़ दिया। मैं सोचा यार कुछ होगा ही नहीं है वेबसाइट, हो सकता है मैं गूगल में जो आर्टिकल्स पब्लिक किया वो कंटेंट कोई डुप्लीकेट कंटेंट हो गया या मेरा इमेज डुप्लीकेट हो गया। तो मैंने आर्टिकल पब्लिश करना बिल्कुल बंद कर दिया था उस साइट में। फिर मैंने 19 जून को जाके दोबारा अप्लाई किया, 19 जून जगह जैसे दोबारा 19 जून से पहले अप्लाई किया, 19 जून में फिर रिजल्ट आया फिक्स, लो वैल्यू कंटेंट का दोबारा इशू आ गया। फिर मैंने ये सोचा मैं इस साइड में प्रॉब्लम क्या हो सकता है, यार मैं ओरिजिनल कंटेंट डाला, मैं अपने कंटेंट डाला, साइड में ट्रैफिक भी ठीक ठाक आ रहा है, इसकी बैकलिंक्स ठीक है, डोमेन और 3D पेज आप कुछ जगह चेक कर सकते हो ब्लॉगर सॉल्यूशन, आप गूगल में सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर मैंने कुछ सेटिंग किया, जो सेटिंग में मैं क्या किया था आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने कोई आर्टिकल्स नहीं पब्लिश किया था कम से कम 1.5 महीना से, कोई बिल्कुल आर्टिकल्स एक भी आर्टिकल पब्लिश नहीं किया, 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने से कोई आर्टिकल पब्लिश किया। मैं कुछ डिज़ाइन को थोड़ा चेंज कर दिया वेबसाइट का, कुछ जो हेडर मेनू फुटर मेनू में कुछ चेंजेस किया। लास्ट जो चेंजेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो आखिरकार मेरे को देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ bloggersolution.in रेडी टू एडसेंस, मैं एडसेंस मेरा दे दिया 4 अक्टूबर को, मतलब करीबन 1 साल के 9-10 महीने का बाद भी मेरा एडसेंस अप्रूवल मिला। अभी मेरे साइट में चलता हूँ, मैं कौन सी चेंजेस किया और जिसकी वजह से मेरे गूगल ने अप्रूवल कर दिया उसके बारे में बात करेंगे। सो हो सकता है इसमें से आपके कोई प्रॉब्लम हो या और कोई इश्यूज है जो आप ठीक कर सकते हो। और एक बात आपको ज़रूर बता देता हूँ दिखाने से पहले, आप अपना साइट का मेरे वेबसाइट में आना, ब्लॉगर सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। सो ये मेरा वेबसाइट है, आप इस आपकी अगर साइट में एडसेंस अप्रूवल 4-5-6 बार रिजेक्ट कर दिया तो आप इसमें इस वेबसाइट में आना। इस वेबसाइट में आने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट ओपन करके उसमें कॉमेंट सेक्शन में, एक तो आपको एक कमेंट बैकलिंक मैं दे दूंगा, दूसरा मेरा वेबसाइट का DA 30 डोमेन होते 30 पेज 30 के आसपास है, 30 के ऊपर है, तो आपको मैं एक बैकलिंक दूंगा। उसके बाद आप भी जो भी प्रॉब्लम है आप इस कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा और उस साइट को मैं मैनुअली चेक करके आपको प्रॉब्लम उसी में रिप्लाई में बता दूंगा, ठीक है। तो इस साइट में मैंने जो चेंजेस किया आपको दिखा रहा हूँ, इस साइट का कुछ फीचर्स व डिज़ाइंस वगैरह और कुछ था, तो मैं इसको चेंज करके क्या किया था, मैं इसको लोगों को नहीं हटाया। फर्स्ट मेरा लोगों को नहीं हटाया, मैं लोगों को नहीं हटा, लोगों जो एज इट इज़ था शुरू से मैं लोगों को यहीं पे रखा,
उसके बाद मैंने जो ये मेनूस है इसमें मैं कैटेगरी हिसाब से मैंने मेनू बनाया था, जो मेनू बनता है जैसे SEO बैकलिंक्स ऐसे बनाया था, मैं सारे को हटा दिया। तो मेन जो मेनू, मेन मेनू जैसे होम, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस को मैंने रखा, ठीक है। साइड बार में मैंने फर्स्ट में क्या रखा, देखो एडसेंस अप्रूवल करने से पहले आपको ये सेटिंग करना है, एडसेंस अप्रूवल मिल जाए एक महीने बाद आप उसको चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, चेंज कर सकते हो, उसमें आपको एडसेंस डिसअप्रूवल नहीं होगा, ठीक है। तो मेनू के बाद मैंने देखो इसमें एसी फॉर बिगेनर करके यहाँ गेट इन टच करके मैं इसमें जो सोशल लिंक था ये बहुत ही छोटा था और इसकी विजिबल नहीं हो रहा था कोई ऑडियंस के सामने, ये चेंजेस है। मैंने ए होम बेस की बात बता रहा हूँ, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया। उसके बाद इसमें मेन साइड बार में मैंने चेंजेस किया, रिसेंट पोस्ट को ही रखा, बाकी कुछ नहीं किया, रिसेंट पोस्ट को ही यहाँ मेंशन कर दिया, कम से कम 10-11 पोस्ट को साइड बार में। अभी फुटर में मैंने क्या चेंजेस किया आपको दिखाता हूँ, और भी 2-3 चेंजेस किया मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को फॉलो करोगे मैं बता रहा हूँ 100% आपको होने का चांसेस है। और कुछ मैं चीज़ बताऊँगा जो बहुत ही इंटरनली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले फुटर में चलते, फुटर में अपना वेबसाइट के बारे में, जैसे अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन में मैंने अपना वेबसाइट के बारे में कुछ बताया, आई एम ब्लॉगर, आई एम वर्क इन एफिलिएट मार्केटिंग 7 ईयर्स, एट आपकी साइट के बारे में। और ठीक जस्ट नीचे उसकी मैं दोबारा क्या सोशल लिंक को ऐड किया, ये चेंजेस किया। उसके बाद मैंने यहाँ रिसेंट आर्टिकल और फीचर को रखा, एक आर्टिकल्स मैंने शो करा है यहाँ पे। दूसरा मैं देखो इसमें जो चेंज, फुटर मेनू में मैं अबाउट, साइट मैप, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस को ही रखा, मतलब मैं फुटर मेनू में सिर्फ एक चीज़ ऐड किया वो है साइट मैप, और हेडर मेनू में मैंने होम को रखा, ठीक है। ये सारे चेंजेस किया। अभी मैं पर्टिकुलर एक पोस्ट में क्या चेंज किया मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पोस्ट को मैं ओपन करता हूँ, पर्टिकुलर पोस्ट में मैंने जो ये शुरू से ही करके आ रहा था, शायद आपको होगा या नहीं हो मेरे को नहीं पता, मैंने यहाँ आर्टिकल में देखो आर्टिकल मिनिमम मेरा 1000 वर्ड या 900 मतलब 900 के आसपास है। मैंने जितने सारे इमेज यूज़ किया कैनवा से यूज़ किया, अगर आप कमेंट करोगे कैनवा से कैसे एक यूनिक इमेज अपना वेबसाइट के लिए बना सकते हो कोई भी ब्लॉग पोस्ट के लिए, मैं बता दूंगा आपको, कमेंट में ज़रूर लिखना। और देखो मैंने जितने सारे इमेज वगैरह बनाया इस साइड में, थीम के बारे में बताया, तो थीम हो सकता है ओनली थीम के बारे में, मैं इसको थोड़ा बैक जाता हूँ, कोई भी और एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, जैसे हाउ टू स्टार्ट मेक मनी ब्लॉग, मेक मनी ऐसे करके। सो इसमें देखो हाउ टू स्टार्ट, इसमें जो इमेज मैं AI से जनरेट किया, मतलब बिल्कुल यूनिक है। और एक चीज़ है, मैंने यहाँ मेंशन किया कोई भी आर्टिकल्स कोई भी ओपन करेगा ना, ओपन करने के बाद रिटेन बाई मेरा नाम है, उसके बाद डेट है, उसके बाद कितना व्यूज़ आया, ये चीज़ें। और मैं आपको दिखाता हूँ जितने सारे मैं इमेज, यहाँ इमेज वगैरह मैंने जनरेट नहीं किया, इससे छोटा आर्टिकल है, बिल्कुल शॉर्ट आर्टिकल मैंने। उसके बाद देखो मैं रिलेटेड पोस्ट है, इसमें जाके मेरा लीव कमेंट और नेम, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, इतना कुछ मैंने डाला, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं जितने सारे और भी एक ब्लॉग पोस्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो एक ब्लॉग पोस्ट है, विच प्लेटफॉर्म बेस्ट फॉर मेक मनी, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इसमें जितने सारे ये इमेज भी मैंने खुद से क्रिएट किया, किसी से कॉपी पेस्ट नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हो इसने जितने सारे डाटा मैंने यूज़ किया ओरिजिनल डाटा है, जितने सारे ये इमेज यूज़ किया सारे ओरिजिनल इमेज है। उसके बाद सारे कुछ मैंने ओरिजिनल यूज़ किया, ये ब्लॉग पोस्ट एक भी ऐसे नहीं है। कुछ हद तक मैंने AI टूल से ChatGPT से राइट किया, मतलब ChatGPT कोई AI टूल से मैंने लिखा, लेकिन इसमें से 50% के खुद का कॉन्टेंट है। तो ये सारे मैंने चेंजेस किया और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं किया। इसमें मेरे को लास्ट में एडसेंस अप्रूवल दे दिया। साइट में मैनुअली चेक करूंगा, जैसे किसी बंदे का एडसेंस नहीं मिल रहा है तो अगर उसकी बहुत परेशान है ये सारे सेटिंग के बाद भी, तो प्लीज़ मेरे को इस साइट में आके किसी भी ब्लॉग पोस्ट में कमेंट करना और मैं उसकी सॉल्यूशन 100% बताऊंगा। नहीं तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर करना।